डियर स्टूडेंट्स असलकम आज हम दहम क्लास की बायोलॉजी में अहम तरीन एक सौ एम सी क्यूज़ के पार्ट नंबर फाइव की बात करेंगे पहले चार पार्ट्स के लिंक्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं तमाम एम सी क्यूज़ इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम्स में मौजूद हैं प्यारे बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को भी दबा दें बहुत शुक्रिया एन ऑर्गनिजम्स एक्सप्रेस्ड फिजिकल ट्रेट सच एज सीड कलर ओ फॉर्ड शेप इज कॉल्ड एक जानदार की जहर होने वाली खसूसियत मसलन बीज का रंग या फली की शक्ल क्या कहलाती है जीनोटाइप फिनोटाइप कैरियोटाइप फिजिकल टाइप या जिसमानी किस्म दुरुस्त ऑप्शन है बी फिनोटाइप एन ऑर्गेनिज्म हैज़ टू डिफरेंट अलील्स फॉर अ सिंगल ट्रेट इट्स जीनोटाइप इज सेड टू बी एक जानदार में एक खसूसियत के लिए दो मुख्तलफ अलील्स मौजूद हैं ऐसी जीनोटाइप को क्या कहेंगे होमोजाइगस हेट्रोजाइगस हेमीज़ाइगस होमोलोग करेक्ट ऑप्शन इज बी हैट्रोजाइगस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ए बायोटिक कम्पोनेंट ऑफ द एकोसिस्टम मंदरजा जैल में से एकोसिस्टम का ए बायोटिक जुज्व कौन सा है प्रोड्यूसर्स हर्बीवोड्स खारनीवोड्स ऑक्सीजन करैक्ट ऑप्शन डी ऑक्सीजन ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीसाइकलिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट आर इको सिस्टम में मौजूद जानदार जो पौधों और जानवरों के फजलाजात को दोबारा कार आमद बनाते हैं प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स डी कम्पोजर्स या कंपटीशन के हरीफ करेक्ट ऑप्शन इज सी डी कंपोजर्स ग्रोइंग एन एंटायर न्यू प्लांट फ्रॉम पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्लांट इज कॉल्ड पौधे के किसी हिस्से से एक मुकम्मल नया पौधा बना लेना क्या कहलाता है बडिंग रीजनरेशन फ्रैगमेंटेशन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेक्ट ऑप्शन इज डी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन राइजोपस रिप्रोड्यूस अ सेक्शुअली बाय बाइनरी फिशन बडिंग स्पोर फॉर्मेशन एंडोस्पोर फॉर्मेशन राइजोपस एसेक्शुअल तरीका से रिप्रोड्यूस होता है बाइनरी फिशन से बडिंग से स्पोर बनाकर एंडोस्पोर बनाकर करेक्ट ऑप्शन सी स्पोर फॉर्मेशन या स्पोर बनाकर पोलिनेशन इज द ट्रांसफ़र ऑफ पोलंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा स्टिग्मा टू एंथर सेपल टू पैटल पैटल टू सेपल फोलिनेशन से मुराद पोलन ग्रेन्स का मुंतकिल होना है एंथर से स्टिग्मा पर स्टिग्मा से एंथर पर सेप्पल से पेटल पर पेटल से सेपल पर करेक्ट ऑप्शन इज है टू स्टिग्मा एंथर से स्टिग्मा पर फाइंड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जॉइंट इन द फिंगर बॉन्ज जॉइंट ऑफ नेक एंड स्कल बॉन्स जॉइंट एट एल्बो जॉइंट एट पेल्विक गर्डल एंड लेग बोन्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा है उंगलियों की हड्डियों में जॉइंट्स गर्दन और खोपड़ी की हड्डियों में जॉइंट्स कोहनी का जॉइंट पेल्विक गर्डल और टांगों की हड्डियों में जॉइंट करेक्ट ऑप्शन डी जॉइंट एट पेल्विक गर्डल एंड लेग बोन्स पेल्विक गर्डल और टांगों की हड्डियों में जॉइंट बॉल और सॉकेट जॉइंट कहलाते हैं। दीज आर पार्ट्स ऑफ एक्सियल स्कैल्टन ऑफ ह्यूमंस एक्सेप्ट यह तमाम इंसान के एक्सियल स्केल्टन का हिस्सा हैं मास वाइब रिब्स पसलियाँ स्टर्नम शोल्डर गर्डल व कॉलम करेक्ट ऑप्शन सी शोल्डर गर्डल हो मैनी बॉन्स मेक आवर्स कल हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ हैं चौदह बाईस चौबीस छब्बीस करेक्ट ऑप्शन इज बी ट्वेंटी टू बाईस वट आर दिन कम्पोनेट्स ऑफ आ बोर्न हड्डी के अहम हिस्से कौन से हैं मैरोपॉन्जी बोन क्स मैरो कॉम्पैक्ट बोन वैक्स कॉम्पैक्ट बोन मैरो कॉम्पैक्ट बोन स्पॉन्जी बोन मैरो करेक्ट ऑप्शन इज डी कॉम्पैक्ट बोन स्पॉन्जी बोन मैरो कॉम्पैक्ट बोन स्पॉन्जी बोन गोदा हाउ वुड यू डिफाइन स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल सिस्टम की तारीफ क्या होगी ओल द बोन्स इन बॉडी जिसम की तमाम हड्डियाँ ओल द बॉडीज़ ऑर्गन्स बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड टिशूज़ जिसम के तमाम ऑर्गन्स नर्म और सख्त टिशूज़ ऑल द मसल्स एंड टेंडन्स तमाम मसल्स और टेंडन्स ओल द बोन्स इन बॉडी एंड द टिशूज दैट कनेक्ट दैम जिसम की तमाम हड्डियाँ और वो टिशूज़ जो इन्हें जोड़ते हैं करेक्ट ऑप्शन डी ओल द बोन् बॉडी एंड द टिश्यूज़ कनेक्ट दम जिसम की तमाम हड्डियाँ और वो टिश्यूज़ जो इन्हें जोड़ते हैं स्केलेटल सिस्टम कहलाते हैं फाइंड द इन इनक्रेक्ट स्टेटमेंट गलत बयान की निशानदही करें बोन्स आर वेयर मोस्ट ब्लड सेल्स आर मेड हड्डी ऐसी जगह है जहाँ ज़्यादातर ब्लड सेल्स बनते हैं बोन सर्व एज आ स्टोर हाउस फॉर वेरियस मिनरल्स हड्डी बहुत से मादनियात के स्टोर हाउस का काम करती है बोन इज आ ड्राई नॉन लिविंग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हड्डी सहारा देने वाली एक खुश्क और बेजान साख्त है बोन प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द बॉडी एंड इट्स ओर्गनस हड्डी जिस्म और इसके ऑर्गन की हिफाजत करती है और इन्हें सहारा देती है यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा सी बोन इज आ ड्राई नॉन लिविंग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हड्डी सहारा देने वाली एक खुश्क और बेजान साख्त है दर्पस ऑफ रिब खेज इज टू पसलियों का काम है प्रोटेक्ट द स्टमक मैदा की हिफाजत प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड स्पाइनल कोड की हिफाजत प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स दिल और फेफड़ों की हिफाजत प्रोवाइड एन ऑब्जेक्ट टू विच द लंग्स कैन अटैच ऐसी साख्त फ्राहम करती हैं जिसके साथ फेफड़े जुड़ सकें करेक्ट ऑप्शन इज सी प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स दिल और फेफड़ों की हिफाजत करना पसलियों का काम है प्रोसेस दैट कैरी नर्व एम्फल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी आर कोल्ड ऐसे हिस्से जो नर्व एम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेकर जाते हैं क्या कहलाते हैं एग्जॉन्स डेंड्राइट्स सनापसिस माइलिन शीत करेक्ट ऑप्शन इज एग्जॉन्ज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन हाइंड ब्रेन का हिस्सा नहीं है पॉन्स, मेडुला अबुलगेट सरेब्रम, सरेबलम। खडक्ट ऑप्शन इज सरेब्रम। ऑल ऑफ़ दीज आर हारमोन्स एक्सेप्ट ये तमाम हारमोन्स हैं मास वायसोलिन थायरॉक्सन ग्लूकागोन पेप्सिनोजन। खडक्ट ऑप्शन डी पेप्सिनोजन। डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लॉस मीन पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन से मुराद है फ्यूजन ऑफ टू स्पर्म्स विद टू एग सेल्स, दो स्पर्म्स का दो एग सेल्स से मलाप। फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म विद एग सेल एंड अदर स्पर्म विद स्पर्म न्यूक्लस एक स्पर्म का एग सेल और दूसरे का फ्यूजन न्यूक्लियस से मिलाप फ्यूजन ऑफ टू स्पर्म्स विद अ सिंगल एग सेल दो स्पर्म्स का एक ही एग सेल से मिलाप फ्यूजन ऑफ ट्यूब न्यूक्लियस विद फ्यूजन न्यूक्लियस एंड स्पर्म विद एग सेल ट्यूब न्यूक्लियस का फ्यूजन न्यूक्लियस से और स्पर्म का एग सेल से मिलाप करेक्ट ऑप्शन इज बी डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म विद एक्सेल एंड अदर स्पर्म विद स्पर्म न्यूक्लियस एक स्पर्म का एक्सेल और दूसरे का फ्यूजन न्यूक्लियस से मिलाप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीन्स इज फॉल्स जीन्स के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त नहीं जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर लगे होते हैं जीन्स कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिक्वेंस ऑफ डी एन ए जीन्ज डी एन ए की एक लंबी तरतीब की शक्ल में होते हैं अ जीन कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आ प्रटीन एक जीन के पास एक प्रोटीन की तैयारी के लिए हदायत होती हैं ईच सेल कंटेन्स अ सिंगल कापी ऑफ एवरी जीन हर सेल के पास हर जीन की एक ही कॉपी होती है वी विल चूज द ऑप्शन डी ईच सेल कंटेन्स अ सिंगल कॉपी ऑफ एवरी जीन हर सेल के पास हर जीन की एक कॉपी होती है मैंडल्स प्राइमरी कंट्रीब्यूशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस वॉज वरासत के मतलब हमारे इल्म में मैंडल का हिस्सा क्या था द आइडिया दैट जीन्स आर फाउंड ऑन क्रोमोसोम्स ये ख्याल कि जीन्स क्रोमोसोम्स पर मौजूद होते हैं एक्सपेनेशन ऑफ द फैटन्स ऑफ इन्हेरिटेंस वरासत के तरीकों की वजाहत द डिस्कवरी ऑफ अलील्स अलील्स की दरिया डिटर्मिन दैट इंफॉर्मेशन कंटेंड इन डी एन ए आर फो प्रोटीन सेंथेसिस ये मतिन करना कि डी एन ए में मौजूद मालूम प्रोटीन की तैयारी के लिए होती हैं कडक्ट ऑप्शन इज़ बी एक्सप्लेन ऑफ द फैटन्स ऑफ इन्हेरिटेंस वरासत के तरीकों की वजाहत हाउ मैनी जेनेटिकली डिफरेंट खाइस ऑफ गमीट्स एन इंडिविजुअल विद जीनोटाइप ए बी कैन प्रोड्यूस एक जानदार की जीनोटाइप ए बी बी है वो जानदार कितनी तरह के वरासती तौर पर मुख्तफ गमीट्स पैदा कर सकता है एक दो चार आठ करेक्ट ऑप्शन इज ए वन इन द क्रॉस पॉलीनेशन बिटवीन अ ट्रू ब्रीडिंग येलो पॉड प्लांट एंड अ ट्रू ब्रीडिंग ग्रीन पॉड प्लांट वेर ग्रीन पॉड कलर इज डोमिनेंट द रिजल्टिंग ऑफ स्प्रिंग एफ वन जनरेशन विल बी एक ट्रू ब्रीडिंग जर्द फली वाले पौधे और एक ट्रू ब्रीडिंग सब्ज़ फली वाले पौधे के दरमियान क्रास से पैदा होने वाली औलाद यानी एफ वन नस्ल कैसी होगी जहाँ फली एक डोमिनेंट खसूसियत है वन बाई फोर ग्रीन थ्री फोर्थ येलो एक बड़ा चार सब्ज़ तीन चौथाई जर्द और येलो तमाम जर्द वन बाई फोर येलो थ्री बाई फोर ग्रीन एक बड़ा चार जर्द और तीन बड़ा चार सब्ज ओल ग्रीन तमाम सब्ज करेक्ट ऑप्शन इज डी ओल ग्रीन